राफ ग्लोबल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जे एशिया ने आफ्रिका ना छ देशों में कार्यरत है। सौथी वधु हसिया में धकेलायेला व्यक्तिओ समुदाय के परिवारों माटे अमे काम करीए छीए। छेल्ला एक दायका थी ते व्यक्तिगत जीवन ने वधु गुणवत्ता युक्त बनावा माटे अलग अलग संसाधनों टेक्नोलॉजी अने पद्धतिओ वगैरह पूरु पड़वा माटे प्रतिबद्ध है। राफ ग्लोबल टकाऊ बदलाव माटे लोकों ने श्रेष्ठ विकल्प उपलब्ध करावा माटे लोगों ना पोताना जीवन पर जाते ज नियंत्रण मेलवे ते माटेनु वातावरण पूरु पाड़वामां माने छे। छ अलग अलग थीमों पर अमे काम करीए छीए। एक महिलाओं अने युवानोनु आर्थिक बाबते जोड़ाण, आरोग्य अने पोषण कार्यों, शिक्षण अने टेक्नोलॉजी, प्रतिकूल आबहवामां केवी रीते टकाऊ खेती करी शकाय, अने सुशासन, गुड गवर्नेंस अने एमरजेंसी रेस्पोन्स। राफ ग्लोबल रेडियंस स्कॉलरशिप द्वारा सरकारी शालाओं में हाल में समय में धोरण 5 में भणती बाळकीओ ने स्कॉलरशिप आपवा माटे प्रतिबद्ध छे अने एज अमारू लक्ष्य छे। मैं तापस सतपति हूँ, रीजनल हेड राफ ग्लोबल का। राफ ग्लोबल जैसे सुदेशना बहन ने बताया कि राफ ग्लोबल की जो 5 प्रोग्राम थीम है उसी पे ज़्यादा फोकस है। पहला जो हमारा प्रोग्राम थीम है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड लाइवलीहुड सपोर्ट फॉर वुमेन एंड यूथ्स, इसमें बेसिकली यूथ्स और महिलाओं को स्किल के साथ जोड़ के उनकी लाइवलीहुड प्रमोशंस लाइवलीहुड स्थिति को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। सेकंड है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में हमारा मेजर फोकस है कि जो बच्चे स्कूल्स में और किसी तरह से कहीं ना कहीं कारण से डेफिसिट लर्निंग डेफिसिट होते तो कोशिश किया जाता है कि हमारा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है फ्लिप करके फाउंडेशन इंप्रूवमेंट लर्निंग प्रोग्राम करके जिसे उनकी लर्निंग डेफिसिट को दूर करके क्लास अप्रोप्रिएट लर्निंग तक पहुंचाया जाता है। सेकंड हमारा कोशिश रहता है कि साइंस टेक्नोलॉजी में बच्चों का इंटरेस्ट रहे और उसके लिए हम साइंस को प्रमोट कर ले साइंस एक्टिविटी सेंटर्स को प्रमोट करते हैं जिसमें बच्चे को साइंस के तरफ रुचि को बढ़ाया जाता है। और खास करके ये पूरे प्रक्रिया में खास करके हमारा फोकस रहता है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो मर्जिनाइज्ड कम्युनिटी जो इंटीरियर गांव है उसी गांव को हम फोकस ज़्यादा करते हैं। सेकंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हमारा जो मेजर एक फोकस है थैलेसमिया एक नेशनल लेवल का हमारा फोकस है जिसमें हम थैलेसमिया गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ मिलकर थैलेसमिया वेलनेस सेंटर्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। जिसमें क्या है कि जो बच्चे थैलेसमिक है वो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने आते हैं तो एक अच्छे वातावरण में रहे वातावरण में वो ट्रांसफ्यूजन करें क्योंकि ब्लड उनको हर महीना चेंज करना पड़ता है। दूसरा एक एनीमिक क्योंकि भारत सरकार का है कि एनीमिया मुक्त भारत तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि एनीमिक पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको काउंसलिंग किया जाए उनकी न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए ताकि वो एनीमिया से बाहर आए। तीसरा हमारा एक हेल्थ कैंप्स छोटे छोटे हेल्थ कैंप्स किया जाता है जहाँ इंटीरियर गाँव में उस गाँव में खास करके महिलाओं की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो चौथा है हमारा हेल्थ जो सब सेंटर्स है गाँव में इंटीरियर जगह में उनको अपग्रेड करना अपग्रेड मिल के सरकार के साथ मिल के अपग्रेड करना ताकि वो पूरे फैसिलिटीज़ वहाँ व्यवस्थित हो ताकि आजू बाजू के लोग को दूसरी जगह एक्सेस मेडिकल जो हेल्थ का जो इशूज है वो एक्सेस करने के लिए आसानी हो जाए। और उसके बाद हमारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है। जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हमारा मेजर फोकस रहा है कि केमिकल मुक्त खेती के तरफ जाए प्राकृतिक खेती के तरफ किसान कैसे बढ़े उसके लिए हमारा एक प्रयास रहता है। चौथा जो हमारा प्रोग्राम है एमरजेंसी रेस्पॉन्स मान लीजिए कहीं भूकंप या कुछ प्राकृतिक आपदा हुआ उसको इमीडिएट रेस्पॉन्स करना इसी प्रोग्राम थीम पे हम ज़्यादातर फोकस करते हैं।